हेलो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भारत का ही नहीं एशिया का सर्वप्रथम अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट है। NIRF के द्वारा इसकी रैंकिंग 23 की गई है। हालांकि मैं आपको कहूंगा कि NIRF पे पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए, क्योंकि NIT वारंगल को इसने नीचे रैंकिंग किया है 25 पर, जो कि पूरी तरह से अविश्वसनीय है। देखिए, IIST एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम शहर में इस्टेब्लिश्ड है। ये 2007 में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST इसरो के अंतर्गत आता है, और IIST पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो भारत सरकार का एक अंग है, डिपार्टमेंट है, उससे फंडेड होता है। आज हम मेनली अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पर बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, मतलब 12th लेवल के बाद, और उसमें कितनी सीटें हैं, कैसे एडमिशन होता है, कैसे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। 12th लेवल के बाद इसमें मेनली तीन प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। B.Tech एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें कि 60 सीट है। B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि 60 सीट है। डुअल डिग्री का ऑफर किया जाता है, जो कि 5 साल का होता है, जिसमें कि आपको B.Tech मिलेगा और दूसरा मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, इसमें भी 20 सीट है। 5 ईयर B.Tech प्लस मास्टर प्रोग्राम में B.Tech आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में दी जाएगी, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थ सिस्टम साइंस, मास्टर ऑफ साइंस सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। हालांकि यहां पर जितने भी आपको मास्टर मिल रहे हैं, उनका क्रेज वास्तव में अगर इंडस्ट्री व्यू से देखें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप और भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आपका फ्यूचर रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ मास्टर अगर इन सब चीज़ों में आपको मिलती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। IIST के अंदर रिजर्वेशन का भी सिस्टम है, जिसमें कि आपको SC को 15%, ST को 7.5%, OBC NCL नॉट OBC, OBC को 27%, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5% रिजर्वेशन मिलता है। IIST में एडमिशन के लिए आपको सेपरेटली IIST की ऑफिशियल एडमिशन साइट admission.iist.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सेपरेटली, जो कि 22 मई 2019 से 5 जून 2019 तक चलेगी, और ये पूरी तरह से JEE एडवांस के रैंक को कंसीडर कर रहा है। अगर आपने फिल किया है IIST का ऑनलाइन एप्लीकेशन और JEE एडवांस में अपेयर हुए हैं, तो JEE एडवांस के रैंक के हिसाब से यहाँ पर एक अलग रैंक बनाया जाएगा, और फिर आपको काउंसलिंग के लिए इन्वाइट किए जाएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि IIST में जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उसे मैं किस ऑर्डर में फिल करूँ काउंसलिंग के दौरान। हालांकि ये समय समय के साथ चेंज होता रहा है। स्टार्टिंग में B.Tech एरोस्पेस इंजीनियरिंग को टॉप पर लोग रखा करते थे, और B.Tech जो अभी आपको ECE दिख रहा है, ये पूरी तरह से B.Tech एवेनिक्स था। अभी इसका नाम बदलकर B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एवेनिक्स रख दिया गया। मैंने भी जब इसको फिल किया था तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग को फर्स्ट पर रखा था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैं 4th वेटिंग में रह गया था, मुझे काउंसलिंग में इन्वाइट किया गया था। एडमिशन के लिए JEE एडवांस के मार्क्स को आप कंसीडर करें, 2018 का स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो 43.89% पर ओपन होती है और 34.17% पर क्लोज हो गई थी। ECE का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ECE का क्रेज अभी बढ़ चुका है। 66.94% पर जनरल के लिए ओपन हुई थी और 33.05% पर क्लोज हुई थी। मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि अभी जो इसका क्रेज बढ़ रहा है, B.Tech इन ECE को फर्स्ट पे और B.Tech एरोस्पेस इंजीनियरिंग को सेकंड पर, डुअल डिग्री को थर्ड नंबर पे फिल किया जाता है। 2017 का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, 64.21% जनरल कैटेगरी के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ओपन हुई थी और 53.83% पर ये क्लोज हो गई थी। यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल रहा है कि B.Tech इन ECE विथ स्पेशलाइजेशन एवेनिक्स वो रिनेम कर दिया गया 2018 में। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फीस स्ट्रक्चर हर एक सेमेस्टर में आपको 48,400
जो कि बहुत ही रिलायबल फ़ी है किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में, और साथ ही साथ इसमें फ़ी वेवियर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ तक कि 100% फ़ी वेवियर का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है जो पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा फंडेड होती है। फी वेवियर की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को किसी भी सेमेस्टर में सबसे पहले आपको सेमेस्टर की फी पे करनी होगी 48,400, और सेमेस्टर के एंड में जब उसका रिजल्ट आएगा और आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज 7.5 या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको 48,400 पूरी तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप जो ये फी वेवियर दिया जाता है DOS असिस्टेंटशिप नाम से दिया जाता है, मैंने आपको बताया DOS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। SC ST एंड PD कैटेगरी के लिए 6.5 से अबव आपकी GPA होनी चाहिए ग्रेड पॉइंट एवरेज 10 पॉइंटर स्केल पर, तो आपको 48,400 मतलब फुल फी रिफंड कर दी जाएगी एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। SC ST PD कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए एक और ऑप्शन मिलता है, अगर आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज 5.5 से 6.5 के बीच में है तो आपको ट्यूशन फी जो कि 20,000 है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको एडिशनल बुक ग्रांट भी मिलता है, जिन स्टूडेंट्स को फुल असिस्टेंटशिप मिली है DOS के द्वारा उनको बुक ग्रांट भी दिया जाएगा 3,000, लेकिन इसके लिए कुछ और भी क्राइटेरिया है जैसे कि अप्रूव कराना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ बिल आपके पास होनी चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ बुक का वेरिफिकेशन कराना होगा कि हाँ आपने बुक परचेज किया है। एक बार स्टैटिस्टिक्स पर नज़र और डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे अगर BTech एंड ECE की बात करें 2018 की जनरल कैटेगरी के लिए तो 66.94% JEE एडवांस में मार्क्स पर ओपन हुई थी, और इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट की एवरेज रैंकिंग की अगर बात करें JEE एडवांस में तो वो होती है 300 से 500 के बीच। प्लेसमेंट की एक्चुअल डाटा पर जाने से पहले हम कुछ ऐसे नोट्स पर बात करते हैं जो कि इसरो के साथ आपको साइन करना पड़ता है। जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको 100 रुपी नॉन जुडिशियल पेपर साइन करना पड़ता है, जिसमें आप ये एग्री करते हैं कि अगर इसरो को आपकी ज़रूरत है और इसरो आपको जॉब ऑफर करती है तो आपको 3 साल तक इसरो में जॉब करना ही होगा। अब अगर आप जॉब को एक्सेप्ट करने से डिनाई करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये भरने होंगे। इसरो में जो आपकी जॉब होगी वो साइंटिस्ट या इंजीनियर के पद की होगी, और जिसकी ग्रेड पे 7th पे स्केल के अनुसार होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और पर मंथ 56,100 रुपये होगी। इसके साथ एक्स्ट्रा आपको होम रेंट मिलता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और यहाँ पर आपको द एम्प्लॉय विल गवर्न बाय नेशनल पेंशन सिस्टम का भी यहाँ पर कंसेप्ट है। इसरो में एब्जॉर्प्शन होने के लिए सबसे पहला तो है कि आपको बीटेक 4 ईयर या फिर ड्यूअल डिग्री 5 ईयर कंप्लीट करना होगा। मिनिमम आपको 7.5 CGPA होनी चाहिए ओवरऑल। इसरो के नॉर्म्स के अनुसार फुली मेडिकली फिट अप होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसरो की एक्चुअल डाटा पर जो अभी तक इसरो ने एब्जॉर्ब किया है स्टूडेंट को। ये देखिए 2007 से 11, 8 से 12 ऐसे कुछ डाटा हैं 14 से 18 तक के बैच के। अगर आप गौर से देखें 14 से 18 बैच के तो मेरे ख्याल से सीट तो 100 के आसपास रहा होगा 14 में, और 69 स्टूडेंट ही एब्जॉर्ब हो पाए हैं। सारे के सारे स्टूडेंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, या तो इसरो की सीट भर जाती है या फिर 7.5 CGPA ओवरऑल उन स्टूडेंट्स का नहीं रह पाता है। आउटसाइड प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो बिल्कुल बेकार है। देखिए तो अगर आप 2019 का डाटा एवेनिक्स का जो ECE नाम से चलता है उसमें से ही केवल 3 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट से सेलेक्ट हुए थे आउटसाइड इसरो ऑन कैंपस जो होता है। तो अब हम ऑफ कैंपस के कुछ बात करते हैं। मान चलिए कि इसरो में आपका प्लेसमेंट नहीं होता है और साथ ही साथ ऑन कैंपस किसी भी कंपनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचता है? आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टीचिंग के लिए, या फिर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो किसी कॉलेज में आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको सच में रियलिटी बताऊं तो इंडिया में स्पेस का उतना क्रेज नहीं है, लेकिन फॉरेन में जैसे कि US में बात करें तो US में स्पेस के लिए प्राइवेट कंपनियां भी
काम करती है। इसीलिए फॉरेन में कुछ अच्छे कंट्री में जैसे कि फ्रांस में, इंग्लैंड में, रशिया में, इन सब कंट्री में स्पेस के लिए जो प्राइवेट कंपनियां काम करती है तो वहां पर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन खुले हुए होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि मैक्सिमम जॉब आपको जो यहाँ ऑफर किए जाएंगे वो मास्टर लेवल पर ऑफर किए जाएंगे। इसीलिए अगर आप बीटेक करते हैं तो हायर एजुकेशन पहले फॉरेन से कर लीजिए, जैसे कि मास्टर एमएस कर लीजिए, और उसके बाद इन सब कंपनीज में आपके लिए अच्छे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं कि ईसी है या फिर डुअल डिग्री है या फिर एरोस्पेस। एरोस्पेस की हालांकि इंडिया में क्रेज नहीं है तो मैं एरोस्पेस को अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। इससे आप किसी भी इंडियन कंपनी में जहाँ इसका ऑप्शन होता होगा वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एरोस्पेस के लिए इंडिया में क्रेज नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपको हायर एजुकेशन करनी चाहिए या फिर ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। एजुकेशन कोई भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, हालांकि कोई भी कॉलेज में लेक्चरर बनना भी मुश्किल है क्योंकि एरोस्पेस डिपार्टमेंट कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेज में नहीं होती है। हायर एजुकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको कहूँगा GRE कंप्लीट कीजिए और GRE के बाद हायर एजुकेशन कीजिए फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे कॉलेज से। ओवरऑल अगर हम बात करें तो IIST आपके लिए अच्छा ऑप्शन है तब जब आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। तो IIST के बारे में जो भी डाटा पॉसिबल हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि IIST आपके लिए ऑप्शन अच्छा है या नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी कॉलेजेस पर अच्छे से डाटा आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।